सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टर मन्नू गेमिंग। तो भाई कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहना। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुका हूँ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं गिरना फिर फायर से रिलेटेड काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। जैसे कि हम लोग बात करेंगे आप लोग के नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल के बारे में, कि भाई आप लोग को हमारे नेक्स्ट गोल्ड रॉयल में कौन सा न्यू बंडल देखने को मिलने वाला है। साथ ही हम लोग बात करेंगे आप लोग के OB33 अपडेट से रिलेटेड कुछ न्यू अपडेट के बारे में, जिसके लिए काफी सारी लीक्स भी निकल कर आ चुके हैं। और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे आने वाले कुछ अपकमिंग इवेंट्स के बारे में। तो भाई आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपोर्टेंट होने वाली है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को जरा भी स्किप करते हो तो काफी सारी अपडेट्स मिस कर दोगे। एंड गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है कि भाई अगर आप लोग को ये वीडियो जरा भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो। मैं आप लोगों के लिए फिर से रिलेटेड हर एक अपडेट की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। सो गाइस, अगर आप लोगों ने दोनों काम मेरे लिए कर दिए तो बिना किसी देरी के हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई बात करें सबसे पहले अपडेट की, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इंडियन सर्वर पर एक न्यू फेडरल विल इवेंट आ चुका है। मुझे पता है कि भाई आप लोगों को इस फेडरल विल इवेंट के बारे में काफी टाइम पहले ही पता लग गया होगा, क्योंकि इसका बैनर आप लोग के इंडियन सर्वर पर पहले ही देखने को मिल चुका था। और भाई आप लोगों को लग रहा होगा कि यह किसी ग्लिच की वजह से हुआ है, यार इसके लिए तो मैं भी श्योर नहीं हूँ कि भाई हमारे इंडियन सर्वर पर इस इवेंट को रियली में डाला गया या फिर भाई किसी ग्लिच की वजह से आप लोगों को देखने को मिला। लेकिन यार मैं आप लोगों को बता दूं, जब मैंने काफी सारे सर्वर की आईडी ओपन की तो भाई हमारे कुछ सर्वर पर यह वाला फेडरल विल इवेंट सेम टू सेम डेट को डाला गया। मतलब यार नॉर्मली इतने सारे सर्वर पर एक ही इवेंट एक ही टाइम पे नहीं डाला जाता, लेकिन यार ये वाला फेडरल विल इवेंट हमारे काफी सारे सर्वर पर एक साथ डाला गया। तो मुझे पता नहीं गरेना वालों ने ऐसा क्यों किया, लेकिन यार मैं तो इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ था। आखिर भाई गरेना वालों को हमारे इंडियन सर्वर की याद तो आई, क्योंकि आजकल आप लोगों को वैसे भी हमारे इंडियन सर्वर पर कुछ खास इवेंट नहीं दिए जा रहे। तो देखते हैं आज कब तक ऐसा चलता रहता है। वैसे गरेना वालों ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आप लोगों के फ्री फायर को लेकर भी नहीं निकाला है, बट अब मुझे भी लगने लगा है कि भाई मुश्किल ही आप लोगों को हमारे फ्री फायर रिटर्न में देखने को मिलेगा। खैर अब हम लोग बात करें आप लोग के OB33 अपडेट से रिलेटेड कुछ अपडेट के बारे में। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले भाई आप लोग हमारा बॉम स्क्वाड मोड रैंक मोड में देखने को मिलने वाला है, यानी कि भाई OB33 अपडेट आने के बाद आप लोग के बॉम स्क्वाड मोड को भी रैंक मोड में चेंज कर दिया जाएगा। यार मुझे तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, मतलब यार पहले आप लोग को हमारा नॉर्मल बरमूडा रैंक मोड में देखने को मिलता था, लेकिन यार अभी आप लोग को हमारा क्लैश स्क्वाड मोड रैंक में कर दिया गया। उसके बाद गज आप लोग के लोन वुल्फ को भी रैंक में कर दिया गया, और अब आप लोग के बॉम स्क्वाड मोड को भी रैंक मोड में किया जा रहा है। मतलब यार एक टाइम होता था जब हम बरमूडा में बहुत ज्यादा मेहनत करके हीरोइक लगाते थे, लेकिन अभी इतनी ज्यादा रैंक मोड आने की वजह से बिल्कुल भी हीरोइक लगाने का मन नहीं करता है। मतलब यार कौन कौन से मोड में हम लोग हीरोइक लगाएंगे? अगर बरमूडा रैंक में लगाने की कोशिश करते हैं तो भाई सीएस रैंक में नहीं लगा पाते, सीएस रैंक में लगाने की कोशिश करते हैं तो भाई आप लोग लोन वुल्फ में नहीं लगा पाते, और अगर आप लोग सब में लगाते भी हो तो भाई आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो इस तरह का अपडेट तो भाई मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की, आप लोग के न्यू पेट के लिए निकल कर आ रही है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग के न्यू पेट का नाम होने वाला है जासील पेट। यार इस पेट के आप लोगों को तीन स्किन देखने को मिलने वाली है। बात करें इस पेट की एबिलिटी के बारे में तो भाई इस पेट को मैक्स लेवल का करने के बाद आप लोगों को कूल डाउन टाइम तो 70 सेकंड देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में आप लोगों को ये मेडिकिट इनहेलर और रिपेयर किट का 50% देने का काम करने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो भाई इस पेट की स्किल काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, बाकी तो यार इस पेट के आने के बाद ही पता लगेगा। और इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि भाई आप लोग के अपकमिंग रैंक सीजन रिवार्ड्स के बारे में निकल कर आ रही है। तो भाई जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बरमूडा रैंक सीजन 28 में आप लोग को हमारी P90 किगन स्किन देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ में जैसे आप लोग का OB33 अपडेट आएगा तो भाई आप लोग के क्लैश स्क्वाड रैंक का भी सीजन चेंज हो जाएगा, इसलिए सीएस रैंक सीजन 12 में आप लोग को हमारी गोल्डन स्कार बिल्कुल ही फ्री में क्लेम करने को दी जाएगी। तो यार ये चीजें मेरे को गिनने वालों की काफी ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि यार जिन बंदों के पास कोई भी गन स्किन नहीं होती है, मतलब कि यार जो भी हमारे न्यू प्लेयर्स होते हैं तो यार वो लोग इन गन स्किन का यूज कर सकते हैं, इसलिए गिनने वाले आप लोग को एक एक करके सारी गोल्डन गन स्किन दिए जा रहे हैं। और इसके बाद में हम लोग बात करें आप लोग के नेक्स्ट इंक्यूबेटर गन स्किन के बारे में, तो भाई आप लोग को पता है अभी तो हमारे इंडियन सर पर ग्रोजा गन स्किन इंक्यूबेटर में आई हुई है, लेकिन इनके बाद आप लोग को कौन सी नई गन स्किन हमारे इंक्यूबेटर में देखने को मिलेगी उसके लिए भी अपडेट निकल कर आ चुके हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, OB33 अपडेट आने के बाद आप लोग हमारी पर्पल गन स्किन इंक्यूबेटर में देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप लोग पर्पल गन स्किन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं या फिर आप लोग को अच्छे से चलाना आता है, क्योंकि यार मुझे तो बिल्कुल भी चलाना नहीं आती, लेकिन अगर आप लोग को आता है तो भाई इन इंक्यूबेटर के आने का आप लोग वेट कर सकते हैं, जो कि आप लोग को OB33 अपडेट के बाद देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में आज हम लोग बात करेंगे आप लोग की नेक्स्ट गोल्ड बंडल के बारे में और कुछ अपकमिंग इवेंट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरी वीडियो पे बने और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लो, ताकि आप लोग को हमेशा इसी तरह फिर फायर से रिलेटेड हर एक अपडेट की वीडियो मिलते रहेंगे और आप लोग आने वाली कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सो गाइस अब हम लोग बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि भाई आप लोग की OB33 अपडेट के बाद आने वाली न्यू गन्स के बारे में निकल कर आ रही है। तो भाई जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, न्यू ओबी अपडेट आने के बाद आप लोग हमारे गेम में कुछ इस तरह की दो गन देखने को मिलने वाली है। इन दोनों गन का नाम तो आप लोग पढ़ ही
सकते हो। बट यार मैं आप लोग को इन गन्स के लिए कंफर्म नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ इनकी लीक से निकल कर आई, क्योंकि अभी भी आप लोग के ओबी अपडेट से रिलेटेड काफी सारी अपडेट्स आना बाकी है। जैसे ही आप लोग के अपडेट्स आने लग जाएंगे तो मैं आप लोग को एक एक करके बताता जाऊं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। जैसे ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे एक सर्वर पर कुछ इस तरीके का हैकर स्टोर देखने को मिला है। इसमें आप लोग को हमारे एक न्यू फीमेल का बंडल देखने को मिल जाता है। और आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो यार उसमें मैंने आप लोग को एक मेल का बंडल यानी कि भाई इसी के साथ का मेल का बंडल हैकर स्टोर में बताया था। यार इन दोनों ही बंडल्स को हमारे अलग अलग सर्वर पर हैकर स्टोर में डाला गया। बाकी यार इन बंडल्स को हमारे मिस्ट्री शॉप इवेंट में भी डाला गया था और भी काफी सारे डिस्काउंट इवेंट में डाला गया। अगर या तो आप लोग ये हमारे इंडिया सर्वर पर इलाइट पास डिस्काउंट इवेंट में नजर आ सकते हैं, और अगर भाई इलाइट पास डिस्काउंट इवेंट में नहीं दिया जाते तो भाई आप लोग ये हैकर स्टोर में भी देखने को मिल सकते हैं। बाकी मैंने आप लोग को कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, भाई इस इवेंट के लिए मैं आप लोग को ज्यादा कुछ कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये निकल कर आ रहा था सो मैंने आप लोग को दिखा दिया। और इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पाकिस्तान सर्वर पर कुछ इस तरीके का लक रॉयल आ चुका है जिसमें आप लोग को हमारी टाइटन स्कार रिटर्न में देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ में जितनी भी आप लोग की टाइटन स्कार के साथ की गन स्किन थी सभी की सभी यहाँ पे रिटर्न में देखने को मिली है। तो यार हमारे इंडियन सर्वर पर तो ये सारी गन स्किन लास्ट टाइम इनक्यूबेटर में देखने को मिली थी, बट अभी हमारे कुछ कुछ सर्वर पर ये सारी गन स्किन रिटर्न में दी जा रही है। तो हो सकता है कि भाई आप लोग को कुछ इसी तरीके के लक रॉयल में हमारे इंडियन सर्वर पर भी रिटर्न में देखने को मिल जाए। और इसके बाद हम लोग बात करें आप लोग के नेक्स्ट इवेंट के बारे में यानी कि भाई नेक्स्ट टॉपअप इवेंट के बारे में। तो भाई जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आप लोग हमारे नेक्स्ट टॉपअप इवेंट में कुछ इस तरह की बैकपैक की स्किन और ग्लोल की स्किन नजर आ सकती है। और दोनों ही चीजें आप लोग को हमारे ईओ फार्मर्स के थीम पर देखने को मिल जाती है। बाकी यार हो सकता है कि भाई आप लोग को हमारे नेक्स्ट टॉपअप इवेंट में ये बैकपैक की स्किन और इसी के साथ ही सर्वर की स्किन देखने को मिल जाए, या फिर भाई आप लोग को नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपअप इवेंट में हमारी ये ग्लोल की स्किन नजर आ सकती है। बाकी जैसे आप लोग के नेक्स्ट टॉपअप इवेंट से रिलेटेड कंफर्म न्यूज मुझे मिलती है तो भाई मैं आप लोग को आने वाली वीडियो में बताई दूंगा, या फिर भाई मैं आप लोग के नेक्स्ट टॉपअप इवेंट से रिलेटेड अलग से वीडियो बना दूंगा। और जिस टॉपअप इवेंट की हमारे इंडियन सर्वर पर आने के चांसेस बन रहे थे वो तो मैं आप लोग को दिखा ही चुका हूँ। इसके बाद में हम लोग बात करें आप लोग के नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग के नेक्स्ट गोल्ड रॉयल के लिए कुछ इस तरीके का मेल का बंडल निकल कर आ रहा है जो कि यार बहुत ही ज्यादा ओपी बंडल दिया गया है। हालांकि हमारे एक सर्वर पर इसे डायमंड रॉयल में डाला गया है, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं हमारे अदर सर्वर के और हमारे इंडियन सर्वर के इवेंट वगैरह चेंज होते रहते हैं, यानी कि भाई डायमंड रॉयल के बंडल गोल्ड रॉयल में दिए जाते हैं और भाई गोल्ड रॉयल के बंडल डायमंड रॉयल में डाल दिए जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि भाई यहाँ पे डायमंड रॉयल में डाला गया तो हमारे इंडियन सर्वर पर गोल्ड रॉयल में नहीं आ सकता, क्योंकि यही बंडल है जिसके लिए काफी ज्यादा लीक्स निकल कर आ रही है कि भाई आप लोग को हमारे नेक्स्ट गोल्ड रॉयल में दिया जा सकता है। भाई अगर ये वाला बंडल हमारे नेक्स्ट गोल्ड रॉयल में डाला जाता है तो ऑब्वियसली आप लोग इसे निकालने वाले हो, इसलिए आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना कि भाई आप लोगों ने कितने कितने गोल्ड रॉयल के वाउचर इकट्ठे करके रखे हुए हैं। जैसे आप लोग के नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल से रिलेटेड कंफर्म अपडेट मुझे मिलती है तो मैं आप लोग को एक वीडियो अलग से बना दूंगा। आप लोग के लिए छोटी छोटी अपडेट्स निकल कर आ रही थी जो कि मैंने आपको बता दी। तो होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो ताकि जब भी मैं आप लोग के लिए कोई भी न्यू अपडेट वीडियो लेकर आता हूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाती है, आप लोग कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे। तो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट जरूर से कर लेना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी ज्यादा न्यू तरह अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।